दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया चैनल में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट और अलर्ट खबर के साथ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1 जून की। दोस्तों 1 जून को व्हाट्सएप और फेसबुक हो सकता है बंद। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, आपको ऐसी अपडेट और अलर्ट न्यूज मिलते रहे। दोस्तों प्रदेश में 1 जून से होने वाले किसान आंदोलन को लेकर पुलिस पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों से निपटने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया गया है। पुलिस ने किसान को लाठी डंडे वाहन और अतिरिक्त फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर लिया गया है। प्रशासन ने 35 जिलों में करीब 10,000 लाठी बंटवाई है और 5,000 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। स्थानीय स्तर पर भी पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। IG मकरंद दे उस्कर ने बताया है कि आंदोलनकारियों से निपटने के लिए पुलिस तैयार है, साथ ही आंदोलन को लेकर किसानों से भी चर्चा की जा रही है। बता दें कि अधिकारियों की ओर से किसान संगठनों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यदि किसान आंदोलन के लिए संगठन अड़े रहते हैं तो सरकार आमजन के हित में कड़े कदम उठा सकती है। अधिकारियों के अनुसार अगर किसान आंदोलन के दौरान स्थिति बिगड़ती है तो इंटरनेट सेवा को बंद किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर संदेश वायरल हो रहे हैं कि गाँवों से दूध फल सब्जी की आपूर्ति भी नहीं होगी। इन संदेशों पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की गहरी नजर रहेगी। बांटी गई 10,000 लाठियां। दोस्तों बता दें कि आंदोलन से निपटने के लिए 5 जिलों में 10,000 लाठियों के साथ हेलमेट चेस्ट गार्ड आवंटित किए गए हैं। 100 के तकरीबन 4 पहिया पुलिस वाहनों को भेजा गया है। सबसे ज्यादा वाहन इंदौर राजगढ़ में 8-8, मुरैना में 7, भोपाल दतिया में 6-6 और शिवपुरी गुना सतना में 5-5 गाड़ियां दी गई है। किसान नहीं दे रहे कोई भी जानकारी। दोस्तों 1 से 10 जून के बीच होने वाले इस आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया में जोर शोर से खबरें आने लगी हैं। वहीं दूसरी ओर से बड़ी बात यह है कि किसानों का पूरा समूह इस मामले में कोई भी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार आंदोलन में शामिल होने से अब तक कोई भी स्थानीय किसान संगठन सीधे तौर पर सामने नहीं आया है और 1 से 10 जून के बीच प्रस्तावित आंदोलन को लेकर अभी केवल सोशल मीडिया पर ही हल्ला सुनाई दे रहा है। भारतीय किसान संघ अध्यक्ष प्रहलाद पटेल बताते हैं कि किसानों की जो भी समस्या आ रही है उनको लेकर प्रशासन शासन से लगातार संवाद कर रहे हैं, समस्याओं का निवारण भी किया जा रहा है। सरकार है पूरी तरह से अलर्ट। दोस्तों मध्य प्रदेश में किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित किसान आंदोलन से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने करीब 1200 लोगों को प्रतिबंधात्मक नोटिस जारी किए हैं। वहीं प्रशासन ने गड़बड़ी से निपटने के लिए नीमच जिले के एक बुजुर्ग किसान को भी नोटिस थमा दिया है। आपको बता दें कि किसान संगठनों द्वारा 1 से 10 जून तक प्रस्तावित किसान आंदोलन को लेकर हाई अलर्ट पर है। दोस्तों यह था आज की अपडेट खबर। आशा है आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर करें, लाइक करें, कुछ सुझाव हो तो कमेंट में कीजिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं, आपको ऐसी अपडेट और लेटेस्ट न्यूज मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तो दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।